अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त नुमान कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बागवान। आज हम बात करेंगे एलोवेरा प्लांट के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि सारे एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा जो है बेसिकली एक सकुलेंट प्लांट है। सकुलेंट वो प्लांट्स होते हैं जिनको है बहुत कम पानी चाहिए होता है। ये जूसी होते हैं अंदर से इनके स्टेम जो है, और ज़ीरो केयर प्लांट होते हैं ये। इनके जो प्रोपोगेशन का तरीका है वो इसमें जो है, इसके जो पब्स निकलते हैं, छोटे सकर्स निकलते हैं, और ये जो है नीचे अपने छोटे जो है जेरे बच्चा जो इसके हम सकर्स कहते हैं वो देते रहते हैं, जिसको हम जो है लैदा शिफ्ट करके जो है इसकी प्रोपोगेशन करते हैं। और ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये मैंने सारे जो इसी एक मदर प्लांट से जो है ये शिफ्ट करके जो है छोटे प्लांट्स बनाए हैं। गर्मियों में हम देखते हैं कि अक्सर जो है हीट की वजह से ये प्लांट जो है ब्राउन होना शुरू होते हैं, जैसे अक्सर ये प्लांट हुआ है। तो इसका ये एक ही तरीका है कि इसको जो हम शेड में जो है शिफ्ट कर देंगे, शेड में शिफ्ट कर देंगे और पानी जो है बहुत कम देंगे इनको, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। इसकी जो मीडिया की बात करें तो इसमें हम जो है कौन सा मीडिया यूज़ करेंगे एलोवेरा प्लांट के लिए, तो उसके लिए सिंपल जो है हमने जो है भल मिट्टी यूज़ करनी है। मैंने यहाँ पर जो इसमें जो थोड़ी सी जो कंपोस्ट भी ऐड की हुई है ताकि इसकी जो ग्रोथ थोड़ी सी जो बेहतर हो जाए। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं, आप सिंपल जो है इसमें भल मिट्टी भी इस्तेमाल जो कर सकते हैं और वो इसके लिए बेस्ट है। अब जो है हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे इस प्लांट की, एलोवेरा के। एलोवेरा प्लांट जो है क्यों ज़रूरी है, ये हर घर में प्लांट होना चाहिए। सबसे पहले ये मेडिसिनल प्लांट है, इसके जो बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुदरत ने इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा फायदे रखे हैं। इसके एलोवेरा जो जेल होती है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होती है, आप इसे जो है सिंपल घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको जो है हकीम भी मुख्तलिफ दवाइयों में जो है इस्तेमाल करते हैं। कोरा गंदल भी बोलते हैं इसको हम उर्दू में। इसके अलावा अब जो है साइंटिफिकली देखा जाए तो इसके अंदर जो है IBA मौजूद होता है, इंडोल बैटेरिक एसिड, जिसको जो है हम एज एन रूटिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन जिसको हम कहते हैं वो हम एज एन यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये जो है इसके अलावा प्योरीफाइंग प्लांट भी है कि अगर आप इसको जो है रूम में रख दें अपने, तो ये जो है ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करता है, और जो है टॉक्सिन जितने भी केमिकल्स होते हैं और जितनी टॉक्सिन जो हमारी जो है हवा के अंदर मौजूद होती हैं टॉक्सिन्स, उनको जो है रिमूव करता है। और इस प्लांट को जो है प्रोपोगेट करने का मुकम्मल तरीका और इसके जो है फर्टिलाइज़र का शेड्यूल, ये जो हम इसको जो नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे।